फिर सुर्खियों में क्यों है खान सर? खान सर को मिला कौन सा अवार्ड? खान सर करने लगे ट्रेंड। ये सवाल आज इसलिए क्योंकि खान सर एक बार फिर से चर्चा में है, वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें बिहार केसरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दरअसल 22 अक्टूबर को बिहार के पहले सीएम और बिहार केसरी के नाम से जाने पहचाने वाले श्री कृष्ण सिंह की 136वीं जयंती थी। इस खास मौके पर देश के फेमस डिजिटल टीचर खान सर को बिहार केसरी पुरस्कार से नवाजा गया। खान सर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में युवाओं के बीच काफी फेमस है। उनके पढ़ाने की शैली की काफी चर्चा होती है। अपने इसी अनूठे अंदाज की वजह से वो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। छात्रों से जुड़े मुद्दों पर वो खुलकर अपनी बात रखते हैं, साथ ही जरूरतमंद छात्रों की मदद के लिए भी हमेशा आगे रहते हैं। एक टीवी शो में खान सर ने अपने स्टूडेंट्स के संघर्षों की कहानी भी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि यूपीएससी देश का सबसे कठिन एग्जाम है। साल भर की फीस 2.5 लाख रुपए होती है, लेकिन उस चीज को हमने 7,500 रुपए में कर दिया। लोगों को लगता होगा कि 7,500 रुपए बहुत कम है, लेकिन एक बार एक लड़की ने मुझे कहा कि सर शाम वाले बैच को मॉर्निंग में शिफ्ट कर दीजिए। हमने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर उससे दिक्कत पूछी तो उसने बताया कि शाम को उसे दूसरों के घर बर्तन धोने जाना होता है। इतना ही नहीं, एक लड़का बालू भरता था और उससे अपनी फीस देता था। तो आप बताइए हम कैसे फीस ले, हमारे हाथ कांप गए। खान सर ने जब उनसे पढ़ने आने वाले बच्चों की ये कहानी सुनाई तो सभी हैरान रह गए। यहाँ तक कि खान सर की ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद सेलिब्रिटी की भी आंखों में आंसू आ गए थे। आपको बताएं तो पढ़ने वाले गरीब बच्चों की परेशानियां देखकर ही खान सर ने ये ठाना था कि वो कभी पैसों की वजह से किसी स्टूडेंट की पढ़ाई नहीं रुकने देंगे, और तब से खान सर ने कई छात्रों को फ्री में भी पढ़ाया है। लेकिन क्या आपको पता है कि खान सर का असली नाम क्या है, कैसे सभी उन्हें खान सर कहने लगे? दरअसल 1993 में गोरखपुर में जन्मे खान सर का असली नाम फैजल खान है। खान सर के पिता नौसेना में अधिकारी थे, बड़े भाई भी सेना में थे और वो खुद भी वहीं जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं सके। बचपन से ही खान सर को पढ़ाई में रुचि रही है और इसलिए उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से MSc तक की पढ़ाई की। फिर बिहार जाकर अपने पढ़ाने के अंदाज से वो छा गए। खान सर के पढ़ाने के तरीके को देख सब उनके मुरीद हो जाते हैं। पटना के रहने वाले खान सर यूट्यूब पर सबसे फेमस और चर्चित टीचर्स में से एक हैं। उनकी एक वीडियो को लाखों लोग देखते हैं और शेयर भी खूब करते हैं। उनके क्लिप्स भी खूब वायरल होती हैं। अपने देसी सहज अंदाज में पढ़ाने के चलते वो एकाएक चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनकी सफलता की राह भी आसान नहीं रही है। उनके जानकार कहते हैं कि खान सर की सफलता के पीछे उनका सरल स्वभाव और उनकी कड़ी मेहनत है। पटना आने पर सबसे पहले उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला था जो चल ही नहीं सका, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और YouTube पर बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए साल 2020 में खान सर ने अपना एजुकेशन ऐप खान सर ऑफिशियल लॉन्च करके अपने एजुकेशनल वेंचर को आगे बढ़ाया। कोरोना काल में भारत के लोगों ने सबसे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल किया था और उस दौरान खान सर की अलग अंदाज वाली वीडियो देखी। इसके बाद खान सर बस हिट पे हिट और फिर सुपर हिट होते चले गए। खान सर के YouTube चैनल पे आज 2 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जिस तरह से वो पढ़ाते हैं उनके सभी फैन हैं, वो अपनी सरलता की वजह से भी जाने जाते हैं। खान सर करंट अफेयर्स और GS के टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो पढ़ाते समय स्टूडेंट से ठेठ देसी बिहारी अंदाज में ही बात करते हैं, जो कि बच्चों को भी काफी पसंद आता है। खान सर गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसों की डिमांड नहीं करते, बल्कि वो हमेशा गरीबों की मदद करने के लिए आगे रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वो हर महीने यूट्यूब से 10 से 12 लाख रुपए कमाते हैं और उनकी कुल संपत्ति करीब 5 करोड़ रुपए बताई जाती है। उनकी शोहरत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें KBC कपिल शर्मा शो के अलावा कई न्यूज चैनलों द्वारा बुलाया जा चुका है। इस बार खान सर बिहार केसरी पुरस्कार को लेकर चर्चा में। खान सर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप भी उन्हें फॉलो करते हैं तो न्यूज़बुक को भी फॉलो करते हुए जाएं।